कुरेसी जाने वाले हैं, जहां हम लोग पिछले साल भी गए थे भाई। बहुत भीड़ था, ऑप्शन में हमें टेबल मिली। हम पॉकेट पॉकेट मारने में लगे हुए हैं यहां पे। Hey guys, my name is Ajit and welcome back to the channel. So, आज हम जामा मस्जिद में आए हुए हैं guys. जामा मस्जिद में आए, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा हम लोग भी खा पी के मोटे हो जाए। बहुत पतले हो रहे थे, काफी ज्यादा एक्सरसाइज के लिए जिम विम जाकर हम लोग पतले हो चुके थे, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा मोटापा वापस से आना चाहिए, तो आज हम लोग भर के खाने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पे मेरे साथ हैं अनुभव भैया, जिनको आप लोगों ने पहले ही व्लॉग में देखा होगा, एंड ये हैं वैभव भाई, जो हमारे साथ पहली बार आए हैं रात को गॉगल्स लगा के। नाइट विजन गॉगल्स हैं, नाइट विजन पोलराइज्ड, ये है रिच पीपल यू नो, ये है सस्ते टोनी स्टार्क। आपने फास्ट रखा है जो यहाँ पे पेल के खाने आ गए हो? फास्ट तोड़ने आया हूँ यार मैं। ओह माय गॉड, 11 o'clock इन द नाइट। यस, एंड वी आर हियर फॉर सम कबाब्स, तंदूरी, शरबते मोहब्बत, शाही टुकड़ा लाइक दोस यू नो which I am not going to eat. ऐसा लग रहा है कि आप खाकर बहुत कुछ खाकर आ चुके हो। Actually, yeah. आज मोला लगेगा। बोल रहे तो आज हम अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग जामा मस्जिद में क्या क्या खा रहे हैं। एंड हमारा मेन मोटो ये है कि हम लोग कुरेसी जाने वाले हैं, जहाँ हम लोग पिछले साल भी गए थे, काफी मजा आया था, तो कुरेसी में जाएंगे। मगर पिछले बार हमने चिकन टिक्का मिस किया था और इस बार वो चिकन टिक्का की यादें लेके हम फिर से आए। नज़ मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ये हमारे प्लान में नहीं है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊं कि हम अभी है कहाँ एग्जैक्टली। बेसिकली ये ड्रीम कैचर अगर किसको चाहिए हो तो मेरे को बताइएगा, लेकिन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये हमें अभी रेड फोर्ट की पार्किंग में, एंड आई'd लाइक टू टेल यू गाइस, ये है बहुत महंगी पार्किंग है, बहुत महंगी। चार घंटे का 140 रुपए ले रहे हैं ये हमसे। चलते हैं आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद की गलियां। हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है, हमारी थार नहीं है, बट ये एक चीज देखो आप, इस थार वाले ने मतलब फुटपाथ के ऊपर चढ़ा कर पार्क किए यहाँ पे। उस साइड से भी कोई एंट्री नहीं है, उस साइड से भी कुछ फुटपाथ ऐसा नहीं बना है जहाँ से वो चढ़ा सके, मतलब रौला है भाई लोगों का, है ना। चलें फिर, चलें चलो चलो चलो। बस खीर आ चुकी है। ओहो, बहुत ही बढ़िया। अनुभव भैया थोड़ा बताएंगे कितना भीड़ था यहाँ पे? भाई बहुत भीड़ था, ऑप्शन में हमें टेबल मिली 200 रुपए दे के, ऑप्शन। और यहाँ पे भीड़ देख सकते कितना है, ये लोग सब जो लोग खड़े हैं ना वो खाने के लिए वेट कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक भी आ चुका है हमारे पास, ये है चिकन सीख कबाब, ये हमारा चिकन टिक्का। क्या हुआ? हम पॉकेट पॉकेट मारने में लगे हुए हैं यहाँ पे। एक भी पर्स नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, गोविंद भी आएगा तो मिल ही जाएगा। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत भीड़ है। पर्स मिला आपको? वॉलेट किसी का लूट रहे थे वो? मतलब अभी तो नहीं मिल पाया, अब मिलेगा ना। नहीं मिल पाया। ऑलराइट, तो खाना पीना हमारा खत्म हो चुका है, एंड वहाँ पे कुछ ब्लॉग नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़। चलने की भी जगह नहीं थी, हम गए बड़ी मुश्किल से, साथ लड़के समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खो, मतलब बीच में खड़े हो गए थे, लोग धक्का मार के हमें पहुँचा दिया था हमने। और चढ़ने को तैयार। और एक इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग कुरेसी जाने वाले थे लेकिन कुरेसी हमें मिला नहीं, और ठीक से कुछ तो मिला नहीं, वो चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है, तो हमें लगा कि ये नकली कुरेसी है। फिर हम लोग गए असलम, क्योंकि हमने सुना था कि असलम का भी काफी बढ़िया रहता है, तो हमने सोचा इस बार असलम ट्राई करते, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हम लोग कुरेसी गए थे, राइट। तो इस बार हम लोग असलम गए, असलम में हमने ऑर्डर किया था सीख कबाब और बटर चिकन, बटर चिकन, और लेजेंड बटर चिकन आपने वीडियो में देखा ही होगा, वो बटर और चिकन ही था, इधर बटर इधर चिकन, और उसको एक दूसरे में मिला दिया, बटर चिकन और क्रीम, बस इतना ही था, उससे ज्यादा जो था अल्टीमेट था। और हम सबने मेरे ख्याल से लगभग 20 से 30 रुमाली रोटी खा ली हमने, खीर खाया,
कोल्ड ड्रिंक तो चलो ठीक है, वो खीर तो काफी बढ़िया था। एंड अगर हम लोग देखें इसमें सीख कबाब और बटर चिकन में, तो मेरे को ज्यादा अच्छा बटर चिकन लगा। आपको कौन सा लगा? बटर चिकन सीख कबाब में थोड़ा नमक भी ज्यादा था वैसे, वो उसकी स्पेशलिटी भी नहीं है। हाँ राइट, और क्योंकि सीख कबाब कुरेशी का ज्यादा बढ़िया रहता है ना। बिल्कुल, कुरेशी की स्पेशलिटी में निकल के हमने खाया। हाँ मीठा खाया, रसमलाई और शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा घर वाले। और हमने हम लोग सोचे थे कि हम लोग मोहब्बत के शरबत भी पियेंगे, लेकिन हमारे पेट ने जवाब दे दिया था तो हम लोग नहीं पी सके मोहब्बत। अब पिछली बार हमने मोहब्बत कर लिया था, इस बार इख्तलाक कर दिया कि मोहब्बत ना हो पाए। इस बार जैसे ही पीने गए तो हमें पीछे से आवाज आई, दिल संभल जा जब फिर मोहब्बत करने चला, गंदा जोक मार दिया। जवाब अगर पेट ने जवाब दे दिया तो सवाल किसने पूछा, मैंने तो यही रहेगा जवाब। ओके, तो अब यहीं पे खत्म कर देते हैं व्लॉग, छोटा सा था, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं। और आते वक्त हमें कुत्तों ने बहुत परेशान किया है, इनके तो ऊपर चढ़ गया था भाई, भाई कुत्ते से तो अलग ही फट रही थी हमारी, इसकी बॉडी कुत्ता मांग रही थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, और शेयर तो कर ही देना। अगर आपका कोई दोस्त जा रहा है जामा मस्जिद के पास खाने के लिए रमजान के सीजन में, तो अगर नहीं भी सीजन नहीं भी है तो कभी भी जा रहा है तो ये जगह आप जाकर ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, तो काफी बढ़िया जगह चाहिए तो ये ऑथेंटिक जगह है, लाल किला के पीछे जो पार्किंग है, बिल्कुल यहाँ से आप जाइए, पैदल का रास्ता है और बहुत अल्टीमेट है। हम अभी इस वक्त पार्किंग में ही खड़े हैं जी, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि यहीं पे एक शांति है और लाइट है बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस। ये बेवकूफ है, खीर पूछने गया था, चूल्हे को समझ में नहीं आ रहा है मटन है कि अच्छा चिकन। सही है फिर तो, खीर भाई, खीर खीर है, खीर खाने आया इतनी दूर।